साथ अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं अपना मनचाहा न्यूज़। बीती रात किंग्स इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच एक बेहतरीन मैच देखने को मिला, जिसमें आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर किंग्स इलेवन पंजाब ने एक शानदार जीत दर्ज करी। मैं आपको बता दूं कि ये 2020 आईपीएल का छठा मैच था जहां केएल राहुल ने शतक लगाकर हिट साबित हुए। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली के बल्ले भी शांत दिखे और फील्डिंग में भी वो फ्लॉप दिखे। अगर देखा जाए तो केएल राहुल जब 84 रनों पे बैटिंग कर रहे थे तो कोहली ने उनका कैच टपका दिया और एक बार फिर उन्हें 90 रनों के स्कोर पर कोहली ने एक जीवन दान दिया। ये दोनों ही कैच आरसीबी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, जो कि विराट कोहली से छूट गए। केएल राहुल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के गेंदबाजों को जमकर धोया। इसके साथ ही केएल राहुल ने आईपीएल में अपना दूसरा शतक जड़ते हुए महज 69 गेंदों में 14 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 132 रन बनाए, जो इस सीजन में किसी भी बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। राहुल के इस शतक की बदौलत ही पंजाब ने आरसीबी को एक करारी मात दी, जिससे किंग्स इलेवन पंजाब में उत्साह का माहौल बना हुआ है।